आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के लहंगों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में आली अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता देश के एक सैनिक थे। वो छुट्टियों में ही आया करते थे। एक बार उसके पिता राकेश छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था। पिताजी, अब आप हमें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे ना? हमें आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पिताजी। देखो बेटा, जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे ही मैं इस देश का बेटा हूँ। मेरी माँ को मेरी जरूरत है बेटा, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। आलिया थोड़ा उदास हो जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन आज शाम को आप मुझे मेला घुमाने ले चलेंगे? ठीक है बेटा, आज हम सब मेले घूमने चलेंगे। अपने पिता की ये बात सुनकर आलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को तीनों मिलकर मेले घूमने जाते हैं और सभी बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन आता है। बेटा, इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है पिताजी, आप हमेशा की तरह इस बार भी अपना गिफ्ट मुझे कुरियर ही करेंगे। अरे बेटा, मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे साथ ही एक बहुत बड़ा सा केक भी काटूँगा। अपने पिता की ये बात सुनकर आलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन आ जाता है। दोनों माता पिता आलिया के कमरे में आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आलिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह पिताजी, कितने सालों बाद आए हैं आप मेरे जन्मदिन पर। आज शाम को हम दोनों एक साथ केक काटेंगे। आलिया के इतना बोलते ही उसके पिता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। यस सर, मेजर राकेश सिंह, दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसीलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है। जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर पहुंचो। यस सर, मैं अभी के अभी आता हूँ। इतना कहकर राकेश फोन काट देता है। बेटा, मुझे अभी जाना होगा। अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आऊँगा। अपने पिता की ये बात सुनकर आलिया रोने लग जाती है। आपने तो कहा था कि हम साथ में मिलकर केक काटेंगे। बेटा, देश को अभी मेरी जरूरत है, इसीलिए मुझे अभी के अभी जाना होगा। बेटा, तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मासूम नहीं बहादुर बनो। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे इसी तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन ना ही राकेश आता है और ना ही राकेश का फोन आता है। माँ, पिताजी कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा, अभी उन्हें बहुत सारा काम है। सारा काम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएंगे। एक दिन दोनों माँ बेटी सामान लेने बाजार जाती हैं कि तभी, अरे देखो तो इसे, कैसे बन ठन के घूम रही है। इसके पति को ना आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। हमें तो लगता है बेचारा युद्ध में ही मारा गया है। खबरदार, अगर मेरे पति के बारे में एक भी शब्द बोला तो। आंटी, आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पापा के बारे में आप इस तरह बात कर रही हैं। दोनों माँ बेटी उन औरतों से लड़ाई करने लग जाती हैं। अरे ये तो पागल हो गई हैं। चलो यहाँ से। जब भी गांव वाले राकेश के बारे में कुछ बोलते थे तो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती थी और उनके साथ लड़ाई करने लग जाती थी। इसीलिए अब गांव में कोई भी उन दोनों से बात भी नहीं करता था। धीरे धीरे उनके सारे बचे हुए पैसे तकरीबन खत्म हो चुके थे और घर का राशन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। आलिया की माँ सोनाली काम मांगने के लिए गांव में जाती थी, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता था। वो बेचारी उदास होकर अपने घर लौट आती थी।
घर का सारा राशन खत्म हो गया है, पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब मैं अपनी बिटिया को क्या खिलाऊंगी? आलिया के पिताजी, आप कहाँ हैं? आप कम से कम एक फोन तो कीजिए। सभी गांव वाले बोलते हैं कि आप नहीं रहे, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि आप अभी भी हैं, मेरे साथ हैं। आलिया की माँ सोनाली गांव के सेठ रतन लाल के पास जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दीजिए। जैसे ही आलिया के पिताजी आएंगे, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगी। अरे बिल्कुल बिटिया बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ पैसे ही देने के लिए तो बैठा हूँ, लेकिन बेटा बदले में मैं तुम्हारे घर के कागज लूँगा। जैसे ही तुम मेरे पैसे वापस कर दोगी, मैं तुम्हें तुम्हारे कागज वापस कर दूँगा। सोनाली अपने घर के कागज रतनलाल के हाथ में दे देती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रतनलाल सीधा उनके घर पर पहुँच जाता है। सुनो बेटा, जल्दी से अब ये घर खाली कर दो। तुम्हारा दिया हुआ समय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब ये घर सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। भाई साहब, मेरे पति आ जाएंगे तब हम आपके पैसे दे देंगे। अभी हमें हमारे घर से मत निकालिए। हम दोनों माँ बेटी कहाँ जाएंगे भाई साहब? अरे तुम्हारा पति तो मर चुका है, वो यहाँ कैसे आएगा? अब जल्दी से घर खाली कर दो, नहीं तो मैं अपने आदमियों को बुला लूँगा। डर के मारे दोनों माँ बेटी घर खाली कर देते हैं और चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाती हैं। माँ, मैं और आगे नहीं चल सकती माँ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं माँ? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं घर के कागज सेठ को नहीं देती तो आज हमें इस तरह से जंगल में नहीं भटकना पड़ता। कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ बैठ जाइए और आराम से सोचिए कि आगे हमें अब क्या करना है। दोनों माँ बेटी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और उसकी माँ की आँख लग जाती है। माँ को बहुत भूख लगी होगी। माँ के जागने से पहले उनके लिए जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। माँ बहुत खुश हो जाएंगी। आलिया जंगल में फल लेने जाती है, तभी आलिया को एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचती है, लगता है इस घर में कोई रहता होगा, मैं अंदर जाकर उसे खाना मांगती हूँ। फिर आलिया उस गुफा के अंदर चली जाती है। कोई है, मेरी मदद कीजिए प्लीज, हमें थोड़ा खाना दे दीजिए। चलते चलते आलिया गुफा के दूसरी ओर से बाहर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने सोने और चांदी के लहंगों की नदी थी। अरे वाह, कितनी सुंदर लहंगे की नदी है, मैंने ऐसी नदी तो आज से पहले कभी भी नहीं देखी। आओ बिटिया, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? आलिया उस नदी को वो सारी बातें बताती है। बिटिया, मैं तुम्हें एक सोने का लहंगा देती हूँ, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जादुई सोने के लहंगे की नदी अपने जादू से एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। बिटिया, ये जादुई सोने का लहंगा है, तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें वो सब देगा। अब तुम जल्दी से इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। सोने की लहंगे की नदी के इतना कहने पर भी आलिया वहीं पर उदास खड़ी रहती है। क्या हुआ बिटिया, तुम्हें जादुई सोने का लहंगा नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे ये सोने का लहंगा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पिताजी का पता चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि पिताजी सही सलामत तो है ना? यदि आप मेरी कुछ मदद ही करना चाहती हैं, तो मेरे पिताजी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। बिटिया, इसमें तुम्हारी मदद मेरी छोटी बहन यानी जादुई चांदी के लहंगे की नदी करेगी। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ले चलती हूँ। आलिया चांदी वाली लहंगे की नदी के अंदर चली जाती है। वो उसे एक घर के पास ले जाती है। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है बिटिया, मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देती हूँ,
जिससे तुम उस खतरे का सामना कर सकोगी। फिर चांदी वाली लहंगे की नदी उसे कुछ शक्तियाँ देती है। फिर आलिया उस घर में प्रवेश करती है और देखती है कि उसके पिताजी को कुछ दुश्मनों ने कैद कर रखा था। आलिया सीधे दुश्मनों के पास जाती है। मैं कहती हूँ मेरे पिताजी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। आलिया की ये बात सुनकर सभी दुश्मन जोर जोर से हंसने लगते हैं। ए चुटकी, जल्दी से यहाँ से वापस चली जा, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप के साथ बांध दिया जाएगा। ये सुनकर आलिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से सभी दुश्मनों की खूब पिटाई करने लग जाती है और अपने पिता को छुड़ाकर बाहर ले आती है। दोनों बाप बेटी जादुई सोने और चांदी की लहंगे की नदी का धन्यवाद करते हैं। फिर जादुई सोने के लहंगे की नदी उन्हें एक जादुई सोने का लहंगा देती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। सोनाली आलिया और अपने पति को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर आलिया अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। उसके बाद से जादुई सोने के लहंगे की नदी के द्वारा दिए गए जादुई सोने के लहंगे से वो अपना एक सुंदर सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाते हैं। एक गांव में सुहानी नाम की एक लड़की अपनी माँ उर्वशी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिता ने सीमा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। सीमा का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम रितेश था। सुहानी के पिता शहर में काम करते थे और सारी तनख्वाह अपनी दूसरी पत्नी सीमा को दिया करते थे। सीमा उन दोनों माँ बेटी को नौकरानी की तरह रखती थी। सुहानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और सीमा का बेटा रितेश बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसे स्टाइल मारने का बहुत शौक था। वो तरह तरह के प्रोडक्ट का प्रयोग करता था। एक दिन वो अपने कमरे में एक क्रीम लगा रहा था कि तभी वहाँ पर सुहानी आ जाती है और वहाँ आकर काम करने लग जाती है और रितेश को क्रीम लगाते हुए देख लेती है। अरे वाह भैया, कितनी अच्छी क्रीम है, मुझे भी थोड़ी सी क्रीम दे दो, मैं भी अपने चेहरे पर लगाना चाहती हूँ। नौकरानी की बच्ची, मेरे सामने हमेशा भिखारियों की तरह हाथ मत फैलाया कर, मुझे अपनी कोई भी चीज तुझे देना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेशक वो चीज मैं कूड़े में फेंक दूंगा, लेकिन तुझे कभी नहीं दूंगा। जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रहा है? देखो ना माँ, ये भिकारन जब देखो मेरे सामने हाथ फैलाती रहती है। आज मुझसे मेरी क्रीम मांग रही है, इतनी महंगी और ब्रांडेड क्रीम मैं इसे दूंगा क्या? क्यों रे भिकारन, तूने और तेरी माँ ने हमारे सर में दर्द क्यों कर रखा है? ज्यादा ही शौक है क्रीम लगाने का तो अपनी माँ को बोल पैसे कमा कर लाएगी, फ्री का खाना खाने की तुम्हें आदत पड़ चुकी है। क्यों आंटी, आप कौन सा कमा कर लाती हो? आपको भी तो सारे पैसे मेरे पिताजी देते हैं, उन पैसों पर हमारा भी हक है। आप दोनों भिखारियों की तरह हमारे घर में पड़े रहते हो। अरे आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए, हमारे ही घर में आकर हमारे ही ऊपर अत्याचार करते हो। देखो तो माँ कैसे जुबान चल रही है इसकी, मुंह तो देखो जरा बंदरिया का। अरे बंदर होगा तू, मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझा? यकीन नहीं आता तो शीशे में जाकर अपनी शक्ल दे। माँ आप खड़ी ही रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी? ये मेरी और आपकी इतनी बेइज्जती कर रही है। सीमा सुहानी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बकवास बंद कर लड़की और चुपचाप घर का काम कर, नहीं तो तुझे और तेरी भिकारन माँ को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। यहाँ खड़े होकर ज्यादा ज्ञान मत बांट, चली जा यहाँ से। गुस्से में सुहानी वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सीमा को धक्का मार देती है। मेरी माँ को कुछ मत बोलना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया,
अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आज तू मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचेगी। डर के मारे सुहानी वहाँ से भाग जाती है। अरे भाग कर कहाँ जाएगी, वापस तो इसी घर में आएगी ना। देख तेरे आज हाथ पैर ना तोड़े तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। भागी भागी सुहानी एक जंगल में पहुँच जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। अगर मैं उस घर में वापस गई तो वो चुड़ैल आंटी मुझे मार डालेगी और माँ के बगैर मैं अकेले कैसे रहूंगी। सुहानी की ये बात पेड़ पर बैठा हुआ एक जादूगर सुन लेता है। अरे लगता है ये लड़की कुछ मुसीबत में है, मुझे आज अपने जादू से इसकी मदद करनी चाहिए। जादूगर अपने जादू से सुहानी के पास जाता है। सुहानी उसे देखते ही डर जाती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे बिटिया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तो बल्कि यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। क्या आप सच में मेरी मदद के लिए आए हैं? हाँ बेटा, बताओ मुझे तुम्हारी समस्या क्या है। सुहानी जादूगर को वो सारी बातें बताती है। अच्छा, तो तुम्हें लहंगे पहनना बहुत पसंद है। तभी वो जादूगर दो जादुई सोने चांदी के लहंगे की दो विशाल नदियाँ प्रकट करता है। ये देखो बिटिया, तुम्हारे सामने दो लहंगे की नदियाँ हैं। ये दोनों नदी कोई आम नदी नहीं है, ये जादुई सोने चांदी के लहंगे की नदियाँ हैं। एक नदी में चांदी और दूसरी नदी में सोने वाले लहंगे हैं। जाओ जाकर उन्हें ले आओ। सुहानी नदी के पास जाकर दो जादुई लहंगे ले आती है। बिटिया, ये चांदी वाला लहंगा तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा और इस सोने वाले लहंगे से तुम जो चाहोगी तुम्हें हमेशा उसका उल्टा ही मिलेगा। लेकिन बिटिया, इसका प्रयोग कभी भी स्वार्थ के तौर पर मत करना, नहीं तो ये दोनों लहंगे गायब हो जाएंगे। इतना कहकर जादूगर वहाँ से चला जाता है। सुहानी दोनों लहंगों को लेकर खुशी खुशी अपने घर जाती है। सुहानी उन दोनों लहंगों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस लहंगे से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगती है। सुहानी के इतना कहते ही वहाँ पर एक बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सुहानी बहुत खुश हो जाती है। अब मैं अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आऊंगी, अब मैं और मेरी माँ किसी की भी नौकरी नहीं करेंगे। सुहानी अपने घर जाती है। माँ कहाँ है आप? माँ आइए, माँ मेरे साथ चलिए। तभी वहाँ पर सीमा और उसका बेटा आ जाता है। तो आ गई महारानी, अब देख मैं तेरी डंडों से कैसी पिटाई करती हूँ। ए आंटी, अपनी हद में रह और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं यहाँ बस अपनी माँ को लेने आई हूँ। हमें इस घर में और खास कर तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना। और हाँ, अब हमें किसी की भी नौकरानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। सुहानी अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये तूने क्या किया बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे बिटिया। कम से कम सर रखने के लिए हमारे पास छत तो थी, अब तो हमारे पास वो भी नहीं रही। अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बस मेरे साथ चलो। सुहानी अपनी माँ को अपने बड़े से घर में लेकर जाती है। माँ, ये हमारा नया घर है, आपको यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद सुहानी अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। ये सुनकर सुहानी की माँ बहुत खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी अब खुशी खुशी उस घर में रहने लगी थी। दोनों माँ बेटी गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगी थी। अब सुहानी भी एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करती थी। एक दिन सीमा और उसका बेटा उन दोनों माँ बेटी को लोगों की मदद करते हुए देख लेते हैं। अरे माँ, इन भिखारियों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है,
जो ये लोगों में दान पुण्य कर रही हैं? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा। एक काम करते हैं, हम पता लगाते हैं कि इन भिखारियों को कौन सा माल हाथ लगा है। एक दिन सीमा सुहानी का पीछा करती है और उसे जादुई लहंगे से धन दौलत मांगते हुए देख लेती है। अच्छा जी, तो इस महारानी को ये जादुई लहंगे मिले हैं। अब मैं इसके ये लहंगे चुरा लूंगी, उसके बाद मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी और फिर इन दोनों माँ बेटियों को फिर से अपनी नौकरानी बना लूंगी। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। रात को सीमा उनके घर पर जाती है और सोने वाला जादुई लहंगा उठा लेती है और खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। अरे बेटा इधर आ, ये देख मैं क्या चुरा कर लाई हूँ। फिर सीमा अपने बेटे को वो सारी बातें बताती है। अरे वाह माँ, मजा आ गया। चलो अब जल्दी करो और इस लहंगे से कुछ मांगना शुरू करो। हे जादुई लहंगे, मुझे खूब सारी धन दौलत दे और मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊं। हे जादुई लहंगे, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टाइलिश और महंगे कपड़े दे और मैं दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का बन जाऊं। वो दोनों माँ बेटे ये नहीं जानते थे कि जादुई सोने का लहंगा हमेशा उल्टा काम करता है। दोनों माँ बेटे खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। तभी जादुई लहंगे से एक रोशनी निकलती है और सीमा दुनिया की सबसे गरीब औरत बन जाती है। वही रितेश फटे पुराने कपड़ों के साथ दुनिया का सबसे बदसूरत लड़का बन जाता है। उसके बाद जादुई सोने का लहंगा उड़कर वापस सुहानी के घर पर चला जाता है और वहाँ दोनों माँ बेटे अब सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगे थे। एक गांव में शुमायला नाम की एक लड़की अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी भी थी जिसका नाम टीना था। सौतेली माँ हर रोज शुमायला से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे खूब मारती थी। एक दिन उसके पापा शहर से वापस आते हैं। सुन शुमायला, जा अपने पापा के लिए चाय बना कर ले आ। अरे रुको बेटा, अपना गिफ्ट तो लेती जाओ। उसके बाद पापा उन सभी को गिफ्ट देते हैं। शुमायला के गिफ्ट में एक बहुत ही सुंदर सी सैंडल निकलती है। वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर सैंडल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। अरे धन्यवाद किस बात का बेटी, तुम तो मेरी बेटी हो। उसकी सौतेली माँ ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, कल ही तो मैंने इसे टीना के पुराने सैंडल्स दिए थे, ये कहीं नहीं आती जाती, भला इसे नए सैंडल्स की क्या जरूरत। अरे कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए गिफ्ट लाया हूँ, अगर मैं अपनी बिटिया के लिए गिफ्ट नहीं लाता तो अच्छा लगता है क्या, ये भी तो मेरी ही बेटी है ना। देखो ये फालतू का फिजूल का खर्चा मत किया करो, समझे, हम उसे अपने घर में रख रहे हैं, खाना खाने को भी दे रहे हैं, इतना ही बहुत है। ये सब काम नहीं कर रहे हम जो इसके लिए गिफ्ट भी लाते रहेंगे, पहले ही इतनी महंगाई हो रखी है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी बिटिया को लेकर मायके चली जाऊंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी, फिर रहना तुम अकेले अपनी बिटिया के साथ। पापा आप मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा ना करें, टीना ये सैंडल तुम रख लो, मेरे पास तो तुम्हारी बहुत सारी पुरानी सैंडल्स हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है बहन। इतना कहकर शुमायला वहाँ से चली जाती है। एक दिन अरे बेटा टीना, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी ला कर दे बेटा। अरे बेटा पानी ला बेटा, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन टीना अपनी माँ की आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में ही सोती रहती है। अरे लगता है माँ को प्यास लगी है, उन्हें पानी दे देती हूँ। शुमायला पानी लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। ये लीजिए माँ, पानी पी लीजिए।
उसके बाल से खींच कर एक चांटा मारती है। अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लाने की तूने हिम्मत भी कैसे की? मैंने पानी लाने के लिए अपनी बेटी को कहा था, बड़ी आई मुझे पानी पिलाने वाली। माँ आपकी तबीयत खराब हो रही थी इसीलिए पानी लाने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छे से धोए थे। मेरे हाथ देखो बिल्कुल साफ है माँ। और टीना तो अपने कमरे में सो रही थी, वो पानी कैसे लाती आपके लिए माँ? तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है, सोने क्यों नहीं दे रहा कोई मुझे? अरे मेरी बिटिया जा सो जा अंदर जाकर। माफ कर दे बेटा मैं थोड़ा ऊंचा बोल रही थी। जा बेटा जा अंदर जाके सो जा, अब मैं घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होने दूंगी। दरअसल ये कौन चोर नालायक अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। जा बेटा जा तू अंदर जाकर सो जा। और तू महारानी यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? वहाँ सारे गंदे कपड़े रखे हुए हैं, उसे धो कर ले आ कुएं पर से। शुमाइला कपड़े धोने के लिए बाहर कुएं पर चली जाती है और वहाँ बैठकर कपड़े धोने लगती है। फिर कपड़े धोकर वो उन कपड़ों को कुएं के किनारे रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की एक साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है। हे भगवान, माँ की इतनी महंगी साड़ी तो कुएं के अंदर गिर गई। अब मैं क्या करूँ, सौतेली माँ तो मुझे मार डालेंगी, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हे भगवान क्या करूँ मैं? तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ, इस तरह खड़ी क्यों है, कपड़े धो लिए? धुल गए क्या सारे कपड़े? और मेरी वो ब्रांडेड साड़ी कहाँ है जो तेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए? माँ वो साड़ी। अरे ठीक से बोल। माँ आपकी साड़ी कुएं में गिर गई। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मैंने जानबूझकर नहीं गिराई। कलमोही तूने मेरी ब्रांडेड साड़ी कुएं में फेंक दी, तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा कुएं में कूद और मेरी साड़ी वापस लेकर आ। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं कुएं में कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं कुएं में कूद गई तो मैं मर जाऊंगी ना माँ। अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर उसकी सौतेली माँ उसे कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। बिना साड़ी लिए बाहर मत आ जाना, साड़ी नहीं मिले तो वही डूब कर अपनी जान दे देना। इतना कहकर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शुमाइला को होश आता है तो वो देखती है कि शुमाइला एक अलग ही दुनिया में थी और वो दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया थी। अरे वाह, कुएं के नीचे इतनी अच्छी दुनिया होती है, माँ ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब मैं जल्दी से सबसे पहले वो साड़ी ढूंढती हूँ, उसके बाद वो साड़ी सौतेली माँ को दे दूंगी। शुमाइला साड़ी ढूंढने के लिए थोड़ा आगे चलती है तो उसे वहाँ पर एक घायल बिल्ली मिलती है। अरे ये बेचारी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शुमाइला उस बिल्ली के पास जाती है और आसपास से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़कर उसके ऊपर लगा देती है और फिर से थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते ही उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश हालत में मिलती है। शुमाइला भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत को होश में लाती है। दादी जी आप ठीक तो हो ना, क्या हुआ था आपको? बेटा मुझे घर तक छोड़ दो बेटा, मुझसे चला नहीं जाएगा अकेले। शुमाइला उस बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ देती है और शुमाइला देखती है कि उस बुढ़िया के घर में कोई भी नहीं था। अरे दादी जी आपके घर में तो कोई भी नहीं है, मैं काम करती हूँ आपके लिए खाना बना देती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? शुमाइला उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करती है और उसके घर का सारा काम करती है। कुछ दिनों बाद वो बुढ़िया पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे वाह, दादी तो पूरी तरह से ठीक हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए।
तभी देखते ही देखते वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदल जाती है और शुमाइला से बोलती है, रुको बेटा, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ और तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या बात है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ के बारे में उस परी को सब कुछ बता देती है। तुमने मेरी इतनी सेवा की बेटी, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी शुमाइला को जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी के पास ले जाती है। बेटा, ये जादुई सोने चांदी के लहंगों की नदी है। यदि तुम इस सोने वाली नदी में जाओगी तो तुम्हें खूब सारी धन दौलत मिलेगी, और अगर चांदी वाली लहंगे की नदी में जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ की वो साड़ी मिलेगी। अब बताओ बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी सौतेली माँ और पापा ने मुझे अपने पास रखा हुआ है। मुझे रहने के लिए एक घर दिया है। माँ को वो साड़ी बहुत पसंद है परी जी, इसीलिए मुझे वो सिर्फ साड़ी दे दीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ वो साड़ी ही लेने आई हूँ। वाह बेटा, तुम बहुत ईमानदार लड़की हो। जाओ चांदी वाली नदी में प्रवेश करो। शुमाइला चांदी के लहंगे वाली नदी के अंदर चली जाती है। वहाँ जाते ही शुमाइला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके कपड़े जादुई सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं और उसे खूब सारी धन दौलत भी मिलती है। बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो, इसीलिए तुम यहाँ से बिल्कुल सही सलामत वापस जाओगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से शुमाइला को धन दौलत के साथ कुएं के ऊपर भेज देती है। शुमाइला खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। सच सच बता लड़की, इतनी धन दौलत कहाँ से लेकर आ रही है तू? उसके बाद शुमाइला अपनी सौतेली माँ को वो सारी बातें बता देती है। अरे लड़की, तू तो बिल्कुल पागल है। जादुई सोने की नदी में तू क्यों नहीं गई? उस नदी में देख अब हम जाएंगे। चल बेटा टीना, तुझे पता है ना, हमें बहुत सारी धन दौलत लेनी है। तू जल्दी से उस कुएं में जा और जादुई सोने के लहंगे वाली नदी में ही जाना सीधा। उसके बाद सौतेली माँ अपनी बेटी टीना को उस कुएं के अंदर धक्का दे देती है। वो कई दिनों तक इंतजार करती रहती है, लेकिन टीना वहाँ से वापस नहीं आती और आखिरकार उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल भी मिल जाता है।